हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ बेबी सॉक्स, जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की वूल ली है, 10 नंबर सलाई ली हुई है और देखिए इसमें मैंने 20 मोती लिए हुए हैं। आप इसके मैचिंग के भी मोती ले सकते हैं, इस कलर के आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फंदे डालूँगी सबसे पहले, ये देखिए इस तरीके से मैं ऐसे ये देखिए यहाँ पे मैं 38 फंदे डाल के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 38 फंदे डाल लिए हैं, 38। आप देखिए यहां से हम फर्स्ट रो सीधी बुनेंगे, ऐसे पूरी रो ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए एक रो मैंने पूरी कर ली है। आप देखिए यहां से मैं ये देखिए दो फंदे सीधे बुनूंगी और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दूंगी ऐसे। आप देखिए इसके बाद 16 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सोलह फंदे बुने। उसके बाद फिर से एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया, ये देखिए ऐसे। अब दो फंदे सेंटर में बुनेंगे, 1 2 और एक फंदा यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे और 16 फंदे इधर बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए 16 फंदे मैंने बुन लिए। जैसे मैंने यहाँ पे दो फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया, उसी तरीके से दो फंदों से पहले ऐसे एक फंदा बढ़ा लिया और इस रो को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर दिया। तो देखिए इस रो में हमारे 4 फंदे बढ़े, 2 सेंटर में और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। उल्टी रो इधर से पूरी ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे, ये देखिए ऐसे ही पूरी रो बना लेते हैं। ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट कर दी। अब देखिए एक फंदा उतार लिया, वूल को इधर किया और यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे। पहले मैंने 2 के बाद बढ़ाया था, अब मैं 3 के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी, ये देखिए ऐसे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए यहाँ पे 16 फंदे के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ये 2 बढ़े हुए फंदे हो गए और 2 मैंने सेंटर में रखे हैं और देखिए एक इधर का बढ़ा हुआ, अब एक इधर और बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हो गए। अब इधर से 16 फंदे यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये देखिए अब ये 3 फंदे से पहले यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, जैसे कि इधर मैंने 3 फंदे बुनने के बाद ये देखिए 3 फंदे ऐसे ही बना लिए ये, और इधर की रो सीधा बुनते हुए पूरी कंप्लीट कर दें। ये देखिए अब मैं यहाँ से इस तरह से एक फंदा उतार लूँगी, वूल को पीछे करूँगी और देखिए यहाँ पे अब 4 फंदे बनाऊँगी ऐसे।
और उसके बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पे 16 फंदे बुनूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। एक फंदा बढ़ा लिया यहाँ पे 16 फंदे के बाद। आप देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 फंदे के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी ऐसे सेंटर में। ये देखिए ऐसे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से 16 फंदे बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक 16 फंदे हो गए। अब 4 फंदे से पहले एक फंदा बढ़ा दिया। ये देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी और इधर से उल्टी रो पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। और देखिए इस तरह से मैंने 3 टाइम मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, अभी मैं 2 टाइम और बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 58 फंदे हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये यहाँ पे 5 रो और बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें मैंने फंदे बढ़ाए हैं। एक रो में फर्स्ट में मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था तो यहाँ पे 58 फंदे हो गए। आप देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से बुनूंगी, एक फंदा उतारूंगी और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पे मैंने 18 फंदे लिए हैं। ये देखिए इसको हम इधर कर लेंगे। आप देखिए बूल को इधर करेंगे, यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे ऐसे, और देखिए बूल को अपने तरफ करेंगे और एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद देखिए एक मोती यहाँ पे डालेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से वापस बूल पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, बूल को अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक मोती लाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे बूल पीछे, 2 फंदे सीधे, वापस बूल अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक मोती डाल दिया, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुन लिया, बूल को पीछे किया, 2 फंदे सीधे, बूल को अपने साइड, एक फंदा उल्टा, एक मोती लाएंगे, एक फंदा उल्टा, बूल पीछे, 2 फंदे सीधे, वापस बूल अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक मोती और एक फंदा उल्टा, बूल को पीछे, 2 फंदे सीधे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये मैंने देखिए 5 डिजाइन डाली है और यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं और 2 फंदे इधर भी सीधे हैं। और यहाँ पे देखिए ये इधर फंदे जो हैं ये ऐसे उल्टे बनाएंगे हम। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये देखिए जिस तरह से मैंने 18 फंदे इधर रखे हैं उसी तरह से 18 फंदे इधर हैं। आप देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे और ये 18 फंदे हम उल्टे बुनेंगे ऐसे इधर को। ये देखिए
आप देखिए इसको सेफ्टी पिन को मैं निकाल दूंगी और देखिए जो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो सीधे हैं उनको हम धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। ये देखिए ऐसे धागा पीछे किया और ये देखिए दो फंदे इधर से सीधे वापस धागा अपने तरफ, दो फंदे उल्टे, जैसा जो दिखेगा उसको हम यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप देखिए सीधे तरफ से मैंने ये 18 फंदे उल्टे बना लिए। अब देखिए ये डिजाइन के पास आ गए तो दो फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे और देखिए बूल को अपने तरफ करूँगी और देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना लिया। उसके बाद देखिए एक मोती लाऊंगी मैं इधर से, ऐसे ये देखिए अगला फंदा उल्टा बुन लूंगी, ऐसे बुल को पीछे करूंगी और देखिए दो फंदे सीधे बुल को अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे एक मोती और एक फंदा उल्टा, बुल पीछे, ये देखिए एक फंदा उल्टा, उसके बाद एक मोती, एक फंदा वापस उल्टा बना दिया, बुल को फिर से पीछे कर दिया, दो फंदे सीधे बुल को अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक मोती डालेंगे यहाँ पे, ये देखिए बुल पीछे, दो फंदे सीधे बुल अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, एक मोती, ऐसे और यहाँ पे दो फंदे सीधे ऐसे और यहाँ से ये 18 फंदे इधर के उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से ये दो दो मोती और डालूंगी, चार डिजाइन इसकी डालनी है तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये चार रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। आप देखिए यहाँ से मैं पहले ये देखिए 18 फंदे बुन लूंगी, एक फंदा उतार के, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, बुल को पीछे करेंगे। ये देखिए जो सीधे वाले फंदे हैं इनको हम घटाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम सेप देंगे इसका, तो देखिए जो सीधे हैं उनको हम ऐसे सीधे तरफ से दो का एक करेंगे, उल्टे हैं उनको उल्टे तरफ से दो का एक करेंगे। ये देखिए ऐसे वापस देखिए दो का एक वापस इधर कर लिया, उल्टे तरफ से दो का एक बुल पीछे, सीधे तरफ से दो का एक, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बार दो का एक किया है, जो डिजाइन है वही उसी को किया है और 18 फंदे इधर के धागा अपने तरफ करके उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। और देखिए उल्टी रो में ये वाले फंदे सिर्फ उल्टे और सीधे बनाएंगे, पूरी रो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब मैं फिर से सीधे रो पे आ गई हूँ, तो आप देखिए बुल को यहाँ से पीछे करेंगे और देखिए इस तरीके से दो का एक फिर से करेंगे, ऐसे सीधे तरफ से। आप देखिए पूरी रो ऐसे ही, ये वाले जो फंदे हैं इनको ऐसे ही बनाएंगे, इसको सीधा करके दो का एक करते जाएंगे, ऐसे ये देखिए एक फंदा लास्ट में सिंगल बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ही आ गई डिजाइन और ये वाले फंदे जो है इनको हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे ऐसे, और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए। आप देखिए यहाँ से मैंने ये फंदे उल्टे बनाते हुए 18 कंप्लीट कर लिए, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। तो देखिए अब यहाँ से हम ये देखिए तीन का एक करेंगे, तो इसको हमने इधर घुमाया और इसको ऐसे सेंटर में किया और यहाँ पे तीन फंदों का एक फंदा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास छह फंदे सीधे बचे हैं ये इस रो में देखिए, तो अब हम इस वाले को
ऐसे निकाल देंगे और इसको इधर करेंगे, इस वाले को सेंटर वाले को ऊपर लाएंगे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, ये देखिए ऐसे हो गया। अब ये वाले फंदे 18 उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये रो मैंने पूरी कर ली उल्टी तरफ से। अब देखिए यहाँ से मैं पूरी रो उल्टी बनाऊंगी और तीन रो कंप्लीट करूंगी, तीन गांठ स्टिच इधर आ जाएंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन रो बना ली हैं, 1 2 3। आप देखिए यहाँ पे मैं डोरी डालने के लिए होल बनाऊंगी, तो एक फंदा मैंने उतार लिया बुल को अपने तरफ, 2 का 1 वापस बुल को अपने तरफ, यहाँ पे मैं 2 का 1 करते हुए पूरी रो बनाऊंगी ऐसे। इस तरीके से लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए लास्ट में ये 2 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए पलट लेंगे इसको और यहां से देखिए एक फंदा उतारेंगे, पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए ये देखिए यहां तक मैंने ये उल्टी रो बना ली। अब देखिए यहां से ऐसे उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बुनेंगे और देखिए 3 गांठ स्टिच इधर मैं बनाऊंगी, 6 रो बनाऊंगी तो 3 इधर आ जाएंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बना ली है 3 रो, 1 2 3। अब देखिए सभी फंदे यहाँ से हम क्लोज कर देंगे 2 का 1 करते हुए इस तरीके से। तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे बंद। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डिजाइन बना के कंप्लीट कर ली यहाँ तक। और देखिए अब मैं यहाँ पे भी वही डिजाइन सेम बनाऊंगी, तो देखिए इसको हम यहाँ पे धागे को अटैच करेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया और एक बार इसको निकाल देंगे। ये देखिए हर एक चेन में से एक बार इसको बनाते जाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया। इस धागे को अंदर के साइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरीके से हम पूरा इसको भी बना लेते हैं। देखिए ऐसे ये देखिए मैंने इधर भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए मैं सिलूंगी, तो सीधा तरफ अंदर कर दिया मैंने ऐसे और देखिए इस तरह से मैं इसको सिलूंगी यहाँ से लेके ऊपर से एड़ी तक, एड़ी से लेके पंजे तक। तो मैं यहाँ से देखिए मिलाते हुए इसको ऐसे और इन धागों को मैं अंदर के साइड कर दूंगी ताकि ये दिखे नहीं, उसके बाद मैं कट करूंगी। ये देखिए ऐसे इसको ऐसे मिला के यहाँ पे सिलेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ तक सिलती हूँ। ये देखिए इसको मैंने ऐसे यहाँ पे नॉट लगा दी दोनों धागों से और यहाँ से ऐसे सिलते जाएंगे
आप देखिए इसको भी मैं यहाँ तक पंजे तक इसको सिल के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको सिल दिया। यहाँ पे हम इसे पक्का करेंगे और इस धागे को कट कर देंगे, और ये वाले धागे हैं इनको भी हम कट करेंगे। आप देखिए मैं इसमें डोरी बनाऊंगी, तो देखिए इस तरह से मैं एक नॉट लगाऊंगी। उसके बाद देखिए चैन चैन बनानी है इसकी, जितनी बड़ी आपको डोरी चाहिए वो आप ऐसे चैन बना लीजिए ऐसे। तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डोरी बना ली है। आप देखिए इसको हम ऐसे निकालेंगे नहीं, और यहाँ से जो ये वाली चैन है यहाँ से फर्स्ट वाली रो से यहाँ से लास्ट में जो बची है इसमें से ऐसे करके पूरा राउंडेड डालते हुए लाऊंगे इसको। ये देखिए ऐसे इसमें फंसा लेंगे इसी को। आप सेफ्टी पिन से भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से फंसा देती हूँ पूरे में।